नमस्ते मैम। नमस्ते। तो चैप्टर नंबर 18 यस मैम। ना? हाँ, तो ये इसमें दायशा पेड़ पे कैसे जाके रहती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, हम वो देखते हैं। बिल्कुल। हाँ जी मैम। अमली तो दायशा को पूछता है कि तुम पेड़ पर रात को आराम से सो पाई। दायशा अपना अनुभव बताती है कि कैसे प्रकाश ने उसके आसपास आकर उसकी रक्षा की। एमिलेटो बताता है कि मेरे को निर्देश है कि मैं तुम्हारी हीलिंग में ज्यादा हस्तक्षेप ना करूं। कल रात जब तुम पेड़ पर डर रही थी तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तैशा केयर टेकर को पेड़ पर सोने का सारा अपना अनुभव बताती है। केयर टेकर बताता है कि मैं तुम्हारा नया मार्गदर्शक हूं। तैशा पूछती है कि आप मुझको क्या सिखाओगे? तुमको तुम्हारी पक्षी की तरह अपने डबल के साथ उड़ना सीखना है। एमलेटो बताता है कि ये घर भी इंटेंट से ही बना हुआ है। हम अपने इंटेंट अर्थात अपने संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। वो बताता है कि कैसे नागवल और नेलिडा का इंटेंट था कि वो तुमको यहाँ तक लेकर आए। उन्होंने तुम्हारी बॉडी पर निशान छोड़ा और तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं किया और तुमको यहाँ तक लेकर आ गए। फिर वो तैशा को डबल के लिए तैयार करता है। एमलेटो तैशा को डबल का अनुभव करवाता है। तैशा थोड़े समय के लिए अपने डबल को महसूस कर पाती है। एमलेटो उसको कहता है कि पुनरावृत्ति से हम जितनी अधिक ऊर्जा को वापस ला सकते हैं, हमारे लिए अपने डबल तक पहुंचना उतना ही आसान हो जाता है। आपकी ऊर्जा जितनी अधिक होगी, उसने बताया, उतना ही असाधारण चीजों को देखने की आपकी क्षमता उतनी ही अधिक होती जाएगी। यस मैम। जो इत्रिक डबल की बात की, जो सूक्ष्म शरीर की, उसकी एक ही बात यहाँ पर हमें समझनी है कि जितना हम अपनी ऊर्जा को बचा के रखेंगे, उतना ही हम इत्रिक डबल का जो अनुभव है वो कर पाएंगे। और एमिली तो उसको सारी बातें बता रहा है कि मैं किस प्रकार से तेरी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन हीलिंग जो प्रोसेस है, वो जो सेल्फ हीलिंग है, मतलब क्लारा भी वही सिखा रही है और नलेदा भी वही सिखा रही है, और जो जॉन माइकल थे वो भी वही सिखा रहे हैं, मैनफ्रेड भी वही सिखा रहा था कि आपको सेल्फ हील करना है, आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहो और अपनी ऊर्जा को जहां पर भी तुम छोड़ के आ रही हो उसको वापस बटोर लाओ, और उसको वापस संग्रहित करके जितना तुम अपनी ऊर्जा को बचाओगे उतना ही तुम इथरिक डबल का एहसास कर पाओगे। अब देखो मोनिका, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए, उनका एक ही बात थी। जैसे हम क्रिया योग में महातार बाबा की बात करें या हम युक्तेश्वर गिरी जी की बात करें, तो वो सारी जो योग है या जो ये प्रैक्टिसेस हैं, रिकैपिचुलेशन, ये प्रैक्टिसेस हैं आप अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से संग्रहित करते हो, और जैसे ही ऊर्जा संग्रहित होती है तो आपका इथरिक डबल खुद बन जाएगा। वो मतलब वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटे से छोटा भी विचार जो है वो हमारी कहीं दूसरी दुनिया में हमें ले जाता है, और हमारी ऊर्जा फिर वहां पर खिंचती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरोनल पाथवेज होते हैं, जो हमारी नाड़ी तंत्र का जो रास्ता है जहां पे हम सोचते हुए अपनी ऊर्जा को निकाल देते हैं, वो देखो वहां से हमें उस रिकैपिचुलेशन के माध्यम से हम उस ऊर्जा को वापस कैसे लाते हैं, है ना? जैसे पिछले अध्यायों में ये बताया, क्लारा ने कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करा कि हम महिलाएं कहीं पर भी जाती हैं तो अपनी उस अटैचमेंट्स में अपनी ऊर्जा को वहीं छोड़ देती हैं, और जैसे ही हम अपनी ऊर्जा को छोड़ देती हैं, मान लो हमारे पास 100% ऊर्जा होनी चाहिए और उसमें से 20% हम
लूज कराए, तो हम 80% के साथ अपनी इथरिक डबल को महसूस नहीं कर पाते और ज्यादातर हम उस स्थूल शरीर के ऊपर ही फोकस्ड हो जाते हैं और स्थूल शरीर बीमार रहने लगता है, थकावट रहने लगती है, ज्वाइंट्स पेन आ जाते हैं, इतने सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस होने लगते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपनी जो ऊर्जा है उसको बचाना है। आप एक छोटे से छोटा ऐसा कोई विचार मत लाओ जिससे आप अपनी ऊर्जा को खो रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को बचा के रखो। जैसे देखो पिछले चैप्टर में कहा कि शीतल, बिल्कुल शांत, तो वो कहते हैं कि हम किसी की बात को सुन के रिएक्ट ना करें, शीतल हो जाए, शांत हो जाए। तो क्लारा क्या कहती है तैशा को कि तुम ये मत सोचो कि ये एक निर्दयी होने की निशानी है, ये निशानी है कि तुम अपनी ऊर्जा को खो नहीं रहे हो। ऊर्जा को संग्रहित करके दूसरों को क्या मदद कर सकते हो, तब तुम एक स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा को बचाकर दूसरों की मदद कर सकते हो। तो वो और दूसरे अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि दूसरे लोग सोचेंगे देखो ना इसको तो कोई असर ही नहीं है, और आमतौर पे घरों में ये बातें होती हैं कि अगर हम कोई रिएक्ट ना करें तो कहेंगे इसको तो क्या असर ही नहीं हो रहा है, इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना, होता है ना ऐसा कॉमन। तो वो चाहे वो दुख से निकल कर उसने ये बात सीखी हो और चाहे हम प्रैक्टिसेस से ये बात सीख रहे हो, ये बात हमें सीखनी ही चाहिए कि हम अपनी उस ऊर्जा को खत्म ना करें। तो यही इस लेसन का सार था जो हमें सीखना है, और तैशा के माध्यम से हम आगे जो 3 चैप्टर और हैं उसके माध्यम से जैसे वो कहाँ तक कैपिलर तक पहुंची है तो उसकी कहानी हम अगले चैप्टर्स में सुनेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसे आप बता रहे हो मैम कि ऊर्जा का, कि नेचुरली हम गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तभी हम अपनी ऊर्जा बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कोई भी विचार आता है तो अगर विचार से ही फिर हमारी आदतें बननी शुरू हो जाती है, और वो आदतें इतनी ज्यादा हमारे अंदर एथरिक में और बॉडी में बैठ जाती है कि वो हमारी स्टबर्ननेस बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमें उनको तोड़ना। तो जैसे ये इसमें हम देखा है पुनरावृत्ति के द्वारा या अवेयरनेस के द्वारा हम धीरे धीरे उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं, और जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो हम सोचते हैं शायद घर बार छोड़ दिया, ये कर दिया, अपने आप से ही छूटना है, अपने उन विचारों से और अपनी उन आदतों से। तो बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, मतलब जैसे तुम कह रही हो ना, जैसे हम देखो अभी मतलब आई एम 52 और ये लगता है कि हम बहुत सारी जिंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जिसमें हमने आधी अधूरी जिंदगी ही जी है। हम फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाए, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को खोया है। लेकिन अब तैशा के माध्यम से लगाओ, क्लारा के माध्यम से लगाओ, या नलेता के माध्यम से, या एबिलर्स के माध्यम से, हम अगर अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो हमारे पास सीखने का मौका है कि हम अपनी उस, जहां पे हम आधी अधूरी जिंदगी को जिया है और दुख से निकले हैं, वो दुख से ना निकल के अब हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। तो वो हमें जरूर निश्चय, संकल्प, इंटेंट बोलती है कि अगर आपके पास संकल्प है तो आप उस इथरिक डबल को महसूस कर सकते हो, और अगर इंटेंट ही नहीं है, हम बियॉन्ड माइंड गए नहीं, हम मन में उलझे रहे, तो फिर हम उस इंटेंट को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे, और कभी भी इथरिक डबल को भी हम नहीं, मतलब सूक्ष्म शरीर को भी हम नहीं महसूस कर पाएंगे। ओके डबल मोनिका, थैंक यू। थैंक यू मैम।